रेड एफएम सुन रहे हो 89.1 ते 93.1 सीकेवाईई। प्रोग्राम दे अगले हिस्से दे विच आज जिहड़ी गलबात होएगी हिज एक्सलेंसी कौंसलेट जनरल ने जिहड़े भारत दे श्री मुनीश जी उन्हां नाल गलबात चलेगी। भारत सरकार वालों ओसीआई ते विच कुछ तब्दीलियां कीतियां गईयां ने या होर कई इशूज ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दे उन्हां दी गलबात चलेगी। मुनीश जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने फिजिक्स की बैचलर्स करत पिछों दिल्ली यूनिवर्सिटी तो लाभ किया हुआ है। कई भाषावां बोल लेंगे ने, हिंदी अंग्रेजी तो बिना वो रूसी भाषा भी बोल लेंगे हैं, रशिया ताशकंद होर कई भारत के कई मुल्कों दुपासड़ जिहड़े संबंध ने उन्हां संबंधों के उत्ते काफ़ी लंबा समा उन्होंने सर्व किया। 1997 के इंडियन फॉरन सर्विस जी उन्होंने ज्वाइन की सी, आज उन्होंने अगली गलबात होगी। मुनीश जी आपका अभिनंदन है प्रोग्राम में, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे आमंत्रित करने के लिए रेड एफएम पे आज, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सारे सुनने वाले लोगों को मुझे मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बैसाखी सेलिब्रेशन आने वाली है, उसके लिए भी सभी मेरे भारत के मुल्क के जितने भी सिख भाई बहन हिंदू भाई जो भी हैं ये मनाते हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है और स्प्रिंग फेस्टिवल भी है, और दोनों जगह भारत और कनाडा दोनों में स्प्रिंग का आगमन हो चुका है, और वेरियस कलर्स भी प्रकृति में दिखती जा रही है। तो उसके लिए सभी लोगों को शुभकामनाएं और सुखी स्वस्थ रहें हमारी तरफ से, काउंसलर जनरल की तरफ से सभी लोगों को। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप बता सकें कि ओसीआई के मुतल्लिक कौन कौन सी तब्दीलियां की है भारत सरकार ने, हम सुनना चाहेंगे। हमने सुना है कि कुछ तब्दीलियां ऐसी कर दी हैं कि हमको इंडियन काउंसलेट जनरल जाना पड़ेगा, फिर उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। नहीं, अभी दो दो बातें बताऊंगा मैं ओसीआई कार्ड के बारे में। एक तो भारत सरकार ने 4 मार्च 2021 को एक नई गैजेट नोटिफिकेशन निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, क्योंकि बेसिकली वो क्लैरिफिकेशन है पुराने जो भी नोटिफिकेशन है और जो नए थोड़े बहुत चेंजेस में उसको मिला के एक नई नोटिफिकेशन आई है। तो सबसे पहले इसके बारे में बताना चाहूंगा कि ओसीआई कार्ड जो है वो लाइफ लॉन्ग वीजा होती है। हमारे सिटीजनशिप एक्ट के अंदर ड्यूअल सिटीजन्स की प्रावधान नहीं है, लेकिन इसमें एक कैटेगरी है कि भाई जो ओवरसीज इंडियन है, जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो बाहर रहते हैं, उनको ओसीआई से क्लासिफाई किया गया, वो इंडिया ट्रैवल या रहने या काम करने के लिए आ सकते हैं। तो इसके अंदर जो 21 मार्च 4 वाली नोटिफिकेशन है उसके अंदर जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में बताता हूँ। लोग पीपल विल बी कंटिन्यू टू बी परमिटेड फॉर लाइफ लॉन्ग ट्रेवल टू इंडिया मल्टीपल टाइम, दे कैन कम एंड गो। सो क्या बोलते हैं, मल्टीपल एंट्री वीजा की तरह ये काम तो करता ही रहेगा, और वो फ्रीली आ सकते हैं, फ्रीली जा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज के लिए उनको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। अब जैसे रिसर्च एक्टिविटी के लिए, मिशनरी, तबलीगी, माउंटेनियरिंग, जर्नलिज्म एक्टिविटीज के लिए, इंटर्नशिप और एम्प्लॉयमेंट विद एनी फॉरेन इंस्टीट्यूशन और फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन और फॉरेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन इंडिया, और विजिट टू प्लेसेस नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्रीय सरकार नोटिफाई करती है, विच इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड स्पेसेस। इसके इस सब इन चीजों को करने के लिए प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए। और दूसरी चेंजेस ये हुई है कि पहले रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती थी कि एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद आप रहे कंटिन्यू करते हो इंडिया में रहना, तो आपको एफआरआरओ में रजिस्टर करना होता था। अब कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, जो ओसीआई कार्ड होल्डर हैं और जाके इंडिया में बहुत दिनों तक रह रहे हैं, वो उनको रजिस्टर नहीं करने होते, लेकिन वो जिस एड्रेस पे रह रहे हैं अगर वो चेंज करते हैं तो वो उसको ईमेल से बता दें इमिग्रेशन की एफआरआरओ को, फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। और
OCI card holder will be treated as at par with Indian nationals. जो OCI card holder है वो समान रूप से भारतीय नागरिकों के उस पे इक्वल ट्रीट करेंगे फॉर इंटरनल ट्रैवल इन इंडिया. डोमेस्टिक एयर फेयर जो होती है जो भारतीय नागरिकों को मिलती है, जो फेयर सेम फेयर मिलेगी, सेम रेट पे मिलेगी ओसीआई कार्ड होल्डर्स को, और जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स को भी सेम रेट पे टिकट्स मिलेगी म्यूजियम्स में जाने के लिए, नेशनल पार्क्स में जाने के लिए, नेशनल मोनूमेंट्स में जाने के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जाने के लिए, हिस्टोरिकल साइट्स में. तो ये एट पार हो जाएंगे इंडियन सिटीजन में. तो जो इंडियन सिटीजन जितनी पे करते हैं इंटरनल एयरफेयर के लिए और ये जो हिस्टोरिकल साइट्स वगैरह में, मॉन्यूमेंट्स वगैरह में जाने के, टिकट की रेट बराबर हो जाएगी, कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा ओसीआई कार्ड होल्डर में और भारतीय नागरिकों में. तीसरी चेंजेस हुई है, तीसरी क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहूंगा कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स और नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो हैं वो एक बराबर हो जाएंगे. नॉन रेसिडेंट इंडियन की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर से आती है, वो थोड़ी टेक्निकल बात है, जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है वो जानते हैं. टैक्स पर्पसेस के लिए नॉन रेसिडेंट इंडियन को सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया गया है. उसमें है कि जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है, ओसीआई कार्ड होल्डर है, वो अगर बच्चों को गोद लेना चाहे, इंटर कंट्री अडॉप्शन बोलते हैं इंडियन बॉर्न चिल्ड्रेन को, तो उसको भी कर सकते हैं, बराबर पे है, सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस जो कि अडॉप्शन का रूल्स है. और जो अपीयर करते हैं ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन सच एज जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो जिसके थ्रू आप आईआईटी वगैरह में जाते हैं, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो होती है और अदर टेस्ट, मेक्स ओसीआई कार्ड होल्डर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू एनी एनआरआई सीट. तो एनआरआई के लिए सीट्स होती थी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन नेट के थ्रू, वो ओसीआई और एनआरआई वाली सीट जो है वो बराबर हो गई है, तो वो अपीयर कर सकते हैं. और जहां तक पहले भी था, ये परचेज कर सकते थे, परचेज और सेल ऑफ इमोबल जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, जो कि जमीन जायदाद मकान, एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउसेज और प्लांटेशन प्रॉपर्टी. तो परचेज एंड सेल, परचेज और सेल सारी प्रॉपर्टीज कर सकते हैं जो कि लैंड या वो, लेकिन वो लैंड एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए, फार्म हाउसेज नहीं होनी चाहिए, प्लांटेशन प्रॉपर्टी. इन तीनों चीज में रेस्ट्रिक्शन पहले भी थी और अभी भी है. अगर कोई एनआरआई यहां से जाता है ओसीआई पे, वहां जाके किसी शहर में कोई मकान खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है? हाँ, मकान वगैरह सब खरीद सकता है, एग्रीकल्चर लैंड नहीं. हम ओसीआई कार्ड होल्डर्स को एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउसेज और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज खरीद बिक्री करने की वो नहीं है, परमिशन नहीं है, लेकिन बाकी आप नॉर्मल अपने फ्लैट्स और प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, बट ये तीन कैटेगरी में नहीं खरीद सकते. और पहले भी अलाउड था कि स्पेसिफिक प्रोफेशन परस्यू कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द फुलफिलिंग द लॉज एंड रेगुलेशन फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोफेशन. जैसे वो प्रोफेशन ऑफ ए डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्स, फार्मासिस्ट, लॉयर, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया, इन प्रोफेशनों में कर सकते हैं काम ओसीआई कार्ड होल्डर्स भी, सब्जेक्ट टू स्टिपुलेशन अंडर एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन. हर स्पेसिफिक प्रोफेशन की अपनी रेगुलेशंस होती है, डॉक्टर्स की प्रैक्टिस करने के लिए, डेंटिस्ट. तो इन सब प्रोफेशन पहले भी था, अभी भी जारी रहेगा. और जितनी बातें मैंने बताई इन प्रोफेशनों के बारे में, उसके अलावा अगर आप कोई और प्रोफेशन या उसमें जा रहे हैं, तो यू आर एट पार. द नोटिफिकेशन सेज दैट ओसीआई कार्ड होल्डर्स आर कैटेगराइज्ड और बीन ट्रीटेड एज फॉरेन नेशनल्स. अच्छा मनीष जी, अब ये भी बताएं आप कि ये COVID-19 की वजह से कुछ तब्दीलियां आई आपके दफ्तर में, कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो आपने सस्पेंड कर दी हैं, कौन कौन सी है जो चालू? जहां तक COVID-19 जैसे मार्च 2020 की बात कर लें, उसके अराउंड बंद होने लगा, लेकिन हमारी सर्विसेज कभी बंद नहीं हुई है. काउंसलर सर्विसेज, जो भी काउंसलर सर्विसेज पिछले एक साल से ऊपर से चली, हमेशा चल रही है. तो सारे सर्विसेज जो वेदर वीजा, पासपोर्ट, ओसीआई कार्ड, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पावर ऑफ
टॉनी और अदर मिसलेनियस सर्विसेज सभी दी जा रही है. सर्टेन कैटेगरीज ऑफ वीजा सस्पेंडेड है, जैसे टूरिस्ट वीजा सस्पेंडेड है, जैसे लॉन्ग टर्म विजिटर्स वीजा वीजा भी जो बोलते थे, वो कैटेगरी ऑफ वीजा अभी तक खुली नहीं है. तो वीजा कैटेगरीज में एम्प्लॉयमेंट वीजा है, मेडिकल वीजा दे रहे हैं हम लोग, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई जा रहे हैं या एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं. ओसीआई कार्ड होल्डर्स तो ऐसे भी जा सकते हैं बिना वीजा के, है ना. इंडियन पासपोर्ट होल्डर तो फ्रीली ट्रेवल कर सकते हैं, ओसीआई कार्ड होल्डर्स भी फ्रीली ट्रेवल कर सकते हैं. बट एक कैटेगरी ऑफ वीजा जिसके कारण जिनके पास ओसीआई कार्ड नहीं है या विजिटर वीजा नहीं, वो एंट्री वीजा लेके जा सकते हैं, लेकिन उसमें प्रूफ करना पड़ता है कि उनके पास कभी वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर हुआ करते थे या अपनी इंडियन ओरिजिन को प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, तब एंट्री वीजा दे सकते हैं. विजिटर वीजा अभी तक चालू नहीं है. अच्छा, लेकिन इससे लोगों को ज्यादा दिक्कतें नहीं आ रही हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं और हम जब भी वो अपने क्राइटेरिया मीट करते हैं वीजा दे देते हैं. तो जहां तक हमारा काउंसलेट का सवाल है, हम 24 नॉर्मल वर्किंग डेज में हम 9:30 टू बैक एंड पे हम बीएलएस सर्विसेज दे रही है, वो कलेक्ट करती है, हम यहाँ वीजा पासपोर्ट ओसीआई कार्ड इश्यू करते हैं. अटेस्टेशन वगैरह के लिए डायरेक्ट हमारे पास आ जाता है, लेकिन वॉक इन सर्विसेज नहीं है क्योंकि नंबर्स फिर से बढ़ने लगे हैं. तो थोड़ा सा हम और रेस्ट्रिक्शन लगाएं कि वॉक इन सर्विसेज नहीं लेते हैं, पहले भी नहीं ले रहे थे, लेकिन बहुत ही इमरजेंसी केसेस में, मान लीजिए किसी के घर में परिवार वाले हिंदुस्तान में कोई किसी के देहांत हो गया, कोई किसी की मृत्यु हो गई है, तो फिर हम उनको बुला के अक्रॉस द काउंटर पेपर वर्क करके फिर वीजा दे देते हैं. सैटरडेज को भी लास्ट इस सैटरडे को भी हमने एक वीजा भी दिया, किसी की इमरजेंसी थी तो हम सैटरडेज को भी खोलते हैं. तो आप देखेंगे कि अनलाइक मेनी अदर कंट्रीज वी प्रोवाइड सर्विसेज नॉट ओनली ड्यूरिंग वर्किंग डेज बट ऑल्सो बियॉन्ड वर्किंग आवर्स और ऑन हॉलीडेज व्हेन देयर इज अ नीड, एंड कभी खत्म नहीं हुई है हमारी सर्विसेज. ऑफकोर्स कोविड के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ रहे हैं, इसीलिए हम डिस्करेज करते हैं पीपल को यहाँ आने. If there's an Indian person, a citizen, Indian citizen, Canadian, living in Canada, लेकिन उसके पास Indian passport है, वो Indian व्यक्ति है, उसकी यहाँ मौत हो जाती है, उसकी body हिंदुस्तान लेके जाने के लिए आप कौन कौन सी सहायता, कौन किस किस्म की सहायता कर सकते हैं? As part of our work, we also हम mortal remains को Indian जो abroad में देहांत हो जाती है Indian passport holder की Indian की बाहर, तो mortal remains जो होती है उसको भेजने में सहायता करते हैं. यहाँ पे जैसे processes कुछ लंबी है, I think you have to engage a funeral home or something. So documentation वगैरह जो local authorities देते हैं उसको, उसका जो paperwork करने के बाद हमारे पास आती है, हम उसको वेरीफाई करके अटेस्ट कर देते हैं, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह दे देते हैं, इंडियन नेशनल है और ताकि फैसिलिटेशन हो जाए. तो काफी समय समय पे कभी ना कभी लोगों की देहांत हो जाती है बाहर, यहाँ पे कनाडा में भी, तो हम उस तरह से भी हेल्प कर सकते हैं. अगर कोई बंदा आर्थिक रूप से एकदम ही मुश्किल है उसके पास, मान लीजिए बहुत बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके फैमिली को बैक होम, गरीब है, बहुत ही गरीब है, जो कि प्रूव भी कर सकता है उसके उसका मतलब उस डिस्ट्रिक्ट को अथॉरिटीज सर्टिफाई भी कर देते हैं, या उसको बोलते हैं नेसेसिटी टेस्ट या मींस टेस्ट के हिसाब से, अगर वो बहुत ही गरीब है और नहीं कर सकता तो उसको बॉडी उसके परिवार वाले के डेड बॉडी को भी भेजने का हम जिम्मा उठा सकते हैं बाई प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज. लेकिन हमारी अपनी क्राइटेरिया इवेल्युएट करने के लिए कि वो भारत सरकार के सहायता के लिए एलिजिबल है कि श्री मनीष जी, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हैं भारत से, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या सहूलतें हो सकती हैं? यहाँ कुछ लोगों ने खुदकुशी कर ली और कई ट्रबल में आ जाते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए कौंसलेट जनरल का ऑफिस क्या कर सकता है? दो तीन चीजें होना बहुत ही आवश्यक है आज, खासकर करंट सिचुएशन में. हमारी
हमेशा से जितने भी छात्र छात्राएं हिंदुस्तान के आते हैं, उनको हम हमेशा कहते हैं कि भाई आप हमारे साथ रजिस्टर करके रहें, ताकि हमें पता रहे कौन कहाँ पे रह रहा है। तो एक तो वो है कि कब हमें, लेकिन लोग सोचते हैं कि रजिस्ट्रेशन क्यों करें, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने का एक ही फायदा होता है कि हमें पता रहता है कि हमारे बच्चे कहाँ, कितने लोग रह रहे हैं। एक तो ये है। बाकी जहां तक है, हम समय समय पे हर यूनिवर्सिटी के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, वहां पे इंडियन छात्र छात्राएं उनसे भी इंटरेक्ट करते हैं, उनके बारे में, उनके जो कैंपस में स्टूडेंट एसोसिएशन होती है उनसे भी टच में रहते हैं। तो कोविड सिचुएशन के दौरान पिछले साल जैसे जब भी ये महामारी शुरू हुई तो काफी लोगों की हमने मदद की, इसमें कम्युनिटी का भी बहुत रोल रहा, चाहे हमारे जितने गुरुद्वारे भाई बहन या मंदिर वाले या इंडिविजुअल मेंबर्स ने भी काफी सहायता की, खाना खिला के या शेल्टर देके, या खासकर यहाँ पे भी बीसी गवर्नमेंट का भी काफी सहायता रहा, क्योंकि उनकी अपनी अपनी रूल्स रेगुलेशंस वो अलाउ कर रहे थे कि लोगों को हेल्प करेंगे या कुछ स्टाइपेंड देंगे। तो मेरा कहना है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जुड़े रहे हैं एम्बेसी या काउंसलेट से, ताकि समय पे जब जरूरत हो तो हम उनकी सहायता कर सके और रजिस्ट्रेशन करें हमारे लिए। हम भी जितने भी ग्रेटर वैंकूवर एरिया में जितने भी कॉलेजेस हैं उनसे टच में रहते हैं, समय समय पर उनसे इसके साथ रिव्यू भी करते रहते हैं। और मनीष जी, यहाँ भारत की इंडिपेंडेंस की 75th एनिवर्सरी चल रही है, इसके जश्न कहाँ कहाँ मनाए जा रहे हैं? ये 2015 अगस्त 2022 को हम अपनी 75वीं साल इंडिपेंडेंस डे की वर्षगांठ मनाएंगे। तो उसके 75 हफ्ता पहले इसकी शुरुआत 12 मार्च 2021 को सेलिब्रेशन की शुरुआत हुई अहमदाबाद में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्ट किया है। तो हर ना केवल भारत में ये सेलिब्रेशन होगा बल्कि ग्लोबल सेलिब्रेशन होगा, जहां पे भी हमारे एम्बेसीज और काउंसुलेट्स और हाई कमीशन है सभी लोग मनाएंगे। और इसमें ये जन भागीदारी के हिसाब से मनाने की बात है, क्योंकि ये सेलिब्रेशन है वो कॉमन लोगों की सेलिब्रेशन है, उनके कंट्रीब्यूशन की सेलिब्रेशन है। तो इसमें लोगों की भागीदारी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे भी जो भी सेलिब्रेशन करेंगे इंडियन कम्युनिटी और कल्चरल एसोसिएशन के साथ में करेंगे, वेरियस थीम्स में मनाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स है कि भाई सिटीजन्स कैंपेन हो, एक भारत यूनाइटेड भारत की भूमिका दिखाई जाएगी, वेरियस स्टेट्स हैं उनके अपने कल्चर हैं, लैंग्वेजेस हैं, कहानियां हैं, रीति रिवाजें हैं, उसकी इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कि हमने पिछले 75 सालों में क्या कुछ कर लिया, आने वाले 25 सालों में हम क्या कुछ करना चाहेंगे, अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे, हमारी ग्लोबल कंट्रीब्यूशन क्या है, इस सब के बारे में सारी वो सेलिब्रेशंस होगी। और इसमें हम, मैं भी यहाँ काउंसलेट की ओर से हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जैसे अनफॉर्चुनेटली अभी कोविड की वजह से इन पर्सन सेलिब्रेशन तो हो नहीं पा रहा, तो ज्यादातर वर्चुअल सेलिब्रेशन होगा, और जब सिचुएशन ठीक होगा तो हम इन पर्सन सेलिब्रेशन भी करेंगे। लेकिन ज्यादातर कल्चर, डांस फॉर्म, म्यूजिक, इंडियाज अचीवमेंट इन इकोनॉमिक फील्ड, बड़े महापुरुषों की जयंती, अनसंग हीरोज हैं जो कि इंडिपेंडेंस डे में कंट्रीब्यूशन किया, उनकी भी उनके लिए भी हम सेलिब्रेट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको याद होगा 1919 या 19 अर्ली 20th सेंचुरी में एक जहाज आई थी जिसमें बहुत सारे हमारे सिख इमिग्रेंट्स आए, कमागाटा मारू आई, उसमें उसकी में जो जो कुछ हुआ उसमें, उसने गदर मूवमेंट को जन्म दिया, जो जो कि अल्टीमेटली इंडिया में भी गदर मूवमेंट हुआ जो कि अंग्रेजों के खिलाफ आह्वान किया। इस टाइप की सेलिब्रेशन हम करना चाहेंगे, क्योंकि वैंकूवर इज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ए सीट वेयर इंडिपेंडेंस मूवमेंट वॉज
ignited. Had taken was highlighted and taken place. So हमने इसकी भी proposal दी है कि Vancouver में भी, तो इसमें देखना होगा कि Vancouver BC government या हमारे जितने भी हेरिटेज गुरुद्वारा है Abbotsford में या Ross Street गुरुद्वारा है Vancouver में, यहाँ पे भी अच्छी, तो उनके साथ मिलके ये सेलिब्रेशन कैसे करेंगे। और बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो BC गवर्नमेंट ने Vancouver में जहाँ जहाँ पे ये हादसा हुआ था या ये इंसिडेंट हुआ था उसकी है, तो मिलके ये मना सकते हैं। और खासकर एक सर्विसमैन यहाँ पे बहुत है हमारे देश के, जो कि उनके नए ग्रेटर वैंकूवर एरिया में अदर प्रोविंसेस में, तो उनके साथ भी कुछ कर सकते हैं हम लोग की इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, क्योंकि उन्होंने हमारे सेनाओं में काम किया है, हमारे उनका अपना इतिहास है, वर्ल्ड वॉर टू में उन्होंने बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो ये एक अच्छा हो सकता है इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन। और इस अंडर द थीम सेलिब्रेटिंग अनसंग हीरोज, ताकि उनकी कहानी भी लोगों के सामने आए। और बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं हमारी अपनी, जैसे हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया, जैसे सिखिज्म गुरु सिख धर्म दिया, बुद्धिस्ट धर्म दिया, हिंदुइज्म हमारे यहाँ से आई, और वेदास फिलोसफी आयुर्वेदा या बहुत सारे चीजें हैं जो कि काफी रेलेवेंट हो गई है अब आज के जमाने में मेंटल पीस मेंटल हेल्थ के लिए। तो इस सब पे के थीम पे भी हम कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, और खासकर हमें लोगों को सामने लाना है कि भारत अब 75 साल पुराना भारत नहीं है, जबकि काफी पोस्ट इंडिपेंडेंस काफी कठिनाइयां थी, अब तो हम स्पेस में भी जाते हैं, फार्मास्यूटिकल के फील्ड में क्षेत्र में हम सबसे बड़े लीडर हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी साइंस एंड डेवलपमेंट एजुकेशन टूरिज्म, तो हर थीम पे हम अपने सेलिब्रेशन करेंगे। और इसके लिए बहुत सारे स्टेक होल्डर से हमारी बातचीत चल रही है, वैंकूवर मनाएगा, टोरंटो हमारी ऑफिस है वहां मनाएंगे, या ओटावा में हाई कमीशन वो भी मिलके, तो पैन कनाडा वाइड सेलिब्रेशन होगा और ग्लोबल सेलिब्रेशन भी है। मनीष जी, रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत का काउंसलर जनरल सब आप सभी लोगों के लिए हमेशा खुला रहेगा, और मेरी आपसे यही विनती है कि किसी के बहकावे में ना आए, अगर आपको कोई भी काउंसलर सर्विसेज लेनी है या कोई डाउट है, तो सबसे अच्छा माध्यम है कि हमें ईमेल पे लिखें, खासकर मुझे भी लिख सकते हैं cg.vancouver पे, और अदर कलीग्स के भी ईमेल है, कुछ क्लैरिफिकेशन हो हमेशा हमें लिखें, हम सभी लोगों के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए, ये इम्प्रेशन नहीं होना चाहिए कि भाई हम उसके थ्रू जाएंगे या उसके थ्रू जाएंगे तो काम जल्दी हो जाए, सभी के लिए काम जल्दी ही होता है, हमारी सर्विसेज काफी क्विक है, टर्न अराउंड टाइम क्विक है, 72 आवर्स टू 96 आवर्स में वीजा हम देते हैं, इससे ज्यादा फास्ट वीजा तो आप शायद कोई भी मुल्क ना देता हो, पासपोर्टों के लिए भी OCI कार्ड के लिए सबके लिए भी ड्यूरेशन सेम डे भी मिल सकता था वीजा, इमरजेंसी में तो 2-3 घंटे में दे देते हैं, पेपर वर्क करके आते हैं, जितना भी प्रोसेसिंग टाइम लगता है तो आते हैं, सुबह मान लीजिए आए टाइम फिक्स करके फिर बोलते हैं कि 2-3 घंटे बाद आके कलेक्ट कर, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कोई भी सर्विसेज में, बट यही है कि आप पेपर वर्क कंप्लीट करके लाए, हमारे लोगों का ये कभी कभी हो जाता है कि भाई ये पेपर नहीं है तो दे दो, उसमें डिफिकल्टी है, जो मिनिमम बेसिक जो मिनिमम पेपर वर्क है उतना तो करना ही पड़ेगा, फॉर्म तो भरनी ही पड़ेगी, फोटो तो चिपकानी ही पड़ेगी, फीस तो दे, तो उसको कभी कभी लोग आ जाते हैं कि बिना पेपर लिए बिना फॉर्म लिए, तो वो दिक्कत हो जाती है। श्रीमती जी, बहुत बहुत मेहरबानी, थोड़ी शुक्रिया टाइम देने लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, थैंक यू।